चलें जी अब थोड़ी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहला पैकेज है आईक्यू ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की तरफ से। इन्होंने निकाली है मैनुअल हाइड्रा फेशियल किट। आप लोगों ने हाइड्रा फेशियल के बारे में तो सुना होगा, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है। और ये किट खोली, ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। अच्छा जी, ये रोल ऑन भी है। पहले एक बार मैं पढ़ लूँ क्या क्या है, फिर मैं बताती हूँ। जो हाइड्रा फेशियल होता है सलोन्स वगैरह में मशीन्स के थ्रू होता है, ये मैनुअल फेशियल है। अब मैं यूज़ करके देखूंगी किस तरह का, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। डिटॉक्स टोनर है, प्योरीफाइंग मिल्क क्लींजर है, स्टेप वन स्टेप टू हर चीज़ लिखी हुई है, स्टेप फोर है ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग मसाज क्रीम, स्टेप थ्री है टैन क्लियर, फिर आ जाता है जी डर्मा फ्रेश क्ले मास्क आ जाता है, इंस्टेंट क्लियर जेल आ जाती है, अल्ट्रा ग्लो सिरम आ जाता है, उसके बाद एलोडर्मा हाइड्रेटिंग जेल आ गई, फिर ये रोल ऑन आ गया। इस रोल ऑन को निकालते हैं, ये रोल ऑन आ गया। ये रोल ऑन इसलिए जो सिरम होंगे उनको एब्जॉर्ब करने के लिए स्किन के अंदर रोल ऑन करते हैं, ठीक है। फिर जो लास्ट ये छोटी सी चीज़ है, ये है जी डे प्रोटेक्शन केयर स्टेप 9। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए। बाकी मैंने पेज टैग कर दिया है, अगर आपने तरीका इस्तेमाल देखना है प्रॉपर तो इनके पेज पर जा सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। अगला जी ये ड्रेस है, टाई एंड डाई लॉन्ग शर्ट है, बहुत प्यारी। ये इसके स्लीव्स हैं, ये इसका आ गया गला, ये इसकी ओवरलुक आ गई, इसके साथ ये प्लेन बॉक्स ट्राउजर है। अगला जी ये ड्रेस है शॉकिंग पिंक शमोज सिल्क का, बहुत प्यारा सिंपल सा। ये इसका ट्राउजर है बिल्कुल सिंपल। अब इसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। ये रहे इसके स्लीव्स, ये इसके सारे बटन्स लगे हैं और थोड़ा सा ये फ्रंट ओपन है, ये देखिए। इसके साथ आ जाता है ये वाला दुपट्टा, ये देखें जी ये ईमान का बहुत प्यारा। अच्छा मुझे स्लीव्स इसके सबसे अच्छे लगे हैं, अगर वो टिपिकल से स्लीव्स होते ना इसके साथ वो अच्छे नहीं लगने थे। इन्होंने हल्के से यहाँ पे प्लेट्स डाल के इसको गुड्डी कार्ड स्लीव्स कहते हैं वो बना दिए, इससे बड़ी अच्छी लुक निकल आई है। और साथ ये इसके शरारा है, उसके बाद एक ये ईमान का है, ये गोटे का काम है, शीशे का काम है। अच्छा ये इसका है गला, और बैक साइड से भी इसको दिखाती हूँ, ये देखें ये बैक साइड है, इस तरह यहाँ पे इलास्टिक डाला हुआ है। और ये इसकी आगे शलवार। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए, बहुत अच्छे कपड़े, क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी पेज मेंशन है, प्राइस वगैरह आप लोग पेज से पूछ लें। ये जी मैंने बैग से निकाली हैं कपड़े, एक ये कलर है, एक ये कलर है और एक ये कलर है। मैं आप लोग को सामने हैंग करके दिखाती हूँ। हाँ जी ये देखें जी, मैंने फ्लैश ऑन कर लिया है ताकि आपको इसकी लेस नज़र आए। बहुत प्यारी इसकी लेस लगी हुई है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। इसको क्या कहते हैं, पर्ल वाइट ऑफ वाइट सा, और ये जो इसके पिंक का टच दिया हुआ है इससे बड़ा उठ जाएगा फ्रॉक। ये देखें नीचे भी, और ये इसका दुपट्टा है, और ये इसकी ओवरलॉक है। नेक्स्ट मिक्स ये है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। पास से आप लोग उसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ। ये इसके स्लीव्स हैं, ये इसकी नेक लाइन है, और ये रहा जी इसका दुपट्टा। बहुत लाइट वेट दुपट्टा है, हैंडल करना मिक्सी के साथ बहुत आराम से हो जाएगा। लास्ट पे जी ये मिक्सी आ गई, ये आप लोग इसके नीचे का काम देखें, ये देखें। और इस मैक्सी की मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, इसकी बॉडी नहीं है, और जो लोग हेल्दी होते हैं बड़ी आसानी से पहन सकते हैं, इसलिए मुझे इस मैक्सी की शेप सबसे अच्छी लगी है। प्रॉपर कलियां आ गई हैं और बॉडी के बगैर है, इसमें बड़ी पतली पतली लुक आती है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, ये देखें। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए, पेज टैग है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप जाके पेज से लें। तुसी लोग सोच रहे हो गए कोई दूजा काम नहीं है। देखो मटन पुलाव मैंने चढ़ा दिया है, आलू बॉईल करने रख दिए हैं, अब किचन वाली हेल्पर को कह दिया वो सारा संभाल लेगी, उसको सारा मैं इंस्ट्रक्शंस दे आई हूँ। और एक बच्चा नहला दिया है और दूसरा बच्चा सो रहा है और मम्मा शूट कर रही है। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। ये हमें पैकेट रिसीव हुआ है ए स्टोर की तरफ से। इन्होंने चार बैग भेजे हैं। सबसे पहला ये बैग है, ठीक है। यहाँ इसका एक बैच लगा हुआ है। यहाँ पे भी हम लोग पर्चियाँ शर्चियाँ डाल सकते हैं। और ये इसकी चेन भी आ गई, स्ट्रैप भी आ गई, और बैग बिल्कुल हार्ड नहीं है, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। पहले एक मेन जिप आ गई। ये मेन जिप खोलेंगे तो कार्ड होल्डर इसके अंदर आ जाएगा। और फिर ये देखिए, ये कार्ड होल्डर आ गया। हम इसको इस तरह बाहर भी कर सकते हैं, कार्ड होल्डर। फिर ये आ गया जिप वाला, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। हाँ जी, ये दूसरा बैग आ गया। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये आ गई वेलवेटी साइड आ गई, ये आ गया लेदर साइड, और पीछे भी सारी वेलवेट की है इस तरह की। आप देखिए, ये इसका आ गया, इसकी ये स्ट्रैप्स हैं। इसको खोलते हैं, आपको ये भी साथ मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर भी सेम वही है, कार्ड होल्डर है, लेकिन इसका कार्ड होल्डर बड़ा है, और ये जिप वाला, ठीक हो गया। अगला आ गया ये बैग, इसकी हार्ड बॉडी है इस तरह की। इसकी यहाँ से जिप खुलेगी और ये हो जाएगा, ये इसकी स्ट्रैप है, इसको लगा देंगे, ये बैक, ठीक है जी। और ये फ्रंट, ये है जी लास्ट बैग। इसका आप लोग कॉम्बिनेशन देखे ब्लैक के साथ, यहाँ से दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। ये जो स्ट्रैप्स की आ रही है, ये जो डिटेल्स हैं। अच्छा, इसको खोलते हैं। इसके साथ आपको एक लॉन्ग स्ट्रैप भी मिलेगी, जो कि हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। और इसके अंदर भी सेम है, कार्ड होल्डर है, ये देखिए, ठीक है। और ये वाला पाउच चेक जिप वाला, और ये मेन जिप भी बंद हो जाएगी। इस तरह भी बगैर फिल्टर के आप लोग बैग देख लें, आइडिया ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखें जी, ये इसकी वेलवेट साइड है, ये दूसरी साइड है, बहुत प्यारा। उसके बाद ये हार्ड बॉडी बैग आ गया इसका, ये देखें इजीली। उसके बाद एक ये बैग आ गया, और लास्ट में ये बैग आ गया। लास्ट में जी ये वाला बैग आ गया, जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था। इसका ये कट देखें आप लोग, ये वाला कट, इसकी चेन भी है, स्ट्रैप भी है, ये इसकी बैग। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए। पेज टैग है, वेबसाइट का लिंक कर दिया है। पेज पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, बाकी प्राइजेस वगैरह आप पेज से पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं बच्चों के साथ लगी हुई थी पहले, अब इनको सला के हटी हूँ। और जब से मैंने पिक्चर्स अपलोड की आज साड़ी वाली, तब से मेरे अकाउंट में सैलाब आया हुआ। अब इतनी पतली कैसे हो गई हैं, कैसे हो गई हैं। सबसे पहली बात, साड़ी इतनी फिटिंग में थी, इतनी फिटिंग में थी, अगर मैं हल्का सा बाजू भी हिलाती तो वो फट जाती। दूसरी बात, शायद एंगल उस तरह का था जिसमें मैं पतली लग रही थी। और कोई बात नहीं है, वेट मैंने कम किया है, लेकिन इसमें इन पिक्चर्स में कुछ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि साड़ी बिल्कुल साथ चिपकी हुई थी। मुझे आप लोगों ने हमेशा खुले कपड़ों में देखा है, इतने टाइट कपड़ों में कभी देखा नहीं है। और कोई वजह नहीं है, गया खाओ पियो। वैसे आज मेरा बर्गर खाने का दिल कर रहा था, दिल पे पत्थर रख के मैंने बर्गर नहीं खाया। मैंने कहा इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सब पूछ रहे पतली कैसे होगी। मैंने कहा मुँह कंट्रोल कर लो मेरी।